तो गाइस पलंग पॉलिश करने के लिए मटेरियल मैं आपको बताता हूँ क्या क्या लगेगा। तो गाइस ये जो पेपर देख रहे हैं, ये पेपर मेरे पास रखे हुए हैं, 120 नंबर के ये ग्राइंडर पेपर हैं जिससे हमको घिसाई करना है। और ये देख सकते हैं ये 60 नंबर के मेरे पास रेतमाल रखा हुआ है, इससे हमको लकड़ी की घिसाई कर लेना है। और उसके बाद गाइस हमको ये सेंडिंग सिलर लगेगा, देख सकते हैं ये DSX कंपनी का ये सेंडिंग सिलर है। इसके MRP देख सकते हैं 594 रुपये MRP, और ये 1 लीटर की पैकिंग में है। और गाइस ये वुड साइन हमारे पास रखा हुआ है, पॉलिश के हमारे काम आएगा। और ये अस्तर रखा हुआ है हमारे पास अस्तर लगाने के लिए। और ये गाइस ये थिनर है हमारे पास, थिनर रखा हुआ है, थिनर भी हमको लगेगा। और ये पीली मिट्टी और ये टर्की अंबर है, और ये सॉस्टिक का POP है, पुटिंग वुटिंग करने के ये काम आएगा। और गाइस ये देख सकते हैं मेरे पास पीले कलर का अस्तर रखा हुआ है जो हमको पार्टी में मारना है सागवान रेसे बनाने के लिए। और गाइस ये मेरे पास मेलामाइन DSX कंपनी की गाइस मेरे पास ये ग्लोसी रखी हुई है, मेलामाइन ग्लोसी है। और इसकी MRP देख सकते हैं 625 रुपये इसकी MRP है, और ये 1 लीटर की पैकिंग में आता है। तो गाइस इतनी सामान की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। और ये पुटिंग घिसने के लिए मेरे पास ये 220 नंबर का एप्पल का पेपर रखा हुआ है। तो गाइस देख सकते हैं हमको इतने मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये देख रहे हैं जो पलंग रखा हुआ है, उनको बढ़िया तरीके से इसमें ग्राइंडर मार लेना है। ये मेरे पास ग्राइंडर रखा हुआ है, मैं उसको बढ़िया ग्राइंडर मार लेता हूँ। तो गाइस ये देख सकते हैं ये मेरे पास ये अस्तर रखा हुआ है, पीला वाला है, ये मिट्टी का मैंने अस्तर बनाया हूँ, देख सकते हैं। तो ये जो साइड है गाइस, ये साइडों में हमको बढ़िया पूरे इस तरह से अस्तर मार लेना है, ताकि इसका जो लकड़ी का जो कलर है थोड़ा सा पीला हो जाए और ये सागवन थोड़ी टच में आ जाए। तो गाइस इसी तरह से हमको फटाफट फटाफट पूरी लकड़ियों में अस्तर मार लेना है 2 या 3 हाथ। ये देख सकते हैं पीली मिट्टी का अस्तर है जो कि मैंने फेविकोल डाल के इसको बनाया हूँ, और बहुत बढ़िया तरीके से हमको बढ़िया इसमें पूरा ऐसा अस्तर मार लेना है, ताकि लकड़ियों का जो कलर है थोड़ा सा पीलापन में आ जाए ये। और इसी तरह से ये दूसरी वाला जो पार्टी देख रहे हैं, पलंग की पार्टी है ये, इसमें भी आपको बढ़िया इस तरह से अस्तर घुमा लेना है। और ये मेरे पास ये फोम रखी हुई है, और ये अस्तर मेरे पास रखा हुआ है, फोम की सहायता से बढ़िया आपको अस्तर ऐसा घुमा लेना है, मार लेना है। और गाइज इसको सूखने के लिए आपको छोड़ देना है, थोड़ा सूखने में आपको टाइम लगेगा। तो इसको फटाक से गाइज हम ऐसा मार के इसको छोड़ देते हैं, देख सकते हैं इस तरीके से पार्टी में आपको ऐसा मार लेना है। और ये जो पलंग के जो आप देख रहे हैं गाइस, इसमें भी आपको बढ़िया अस्तर मार लेना है। ये MDF की बीड लगी हुई है, ये देख सकते हैं ये MDF की पूरी बीड लगी हुई है, इसमें भी आपको बढ़िया ये इस टाइप का ये पीला वाला अस्तर मार लेना है, ताकि थोड़ा सा इसका जो कलर है वो थोड़ा सागवान में आए। और ये जो लकड़ी देख रहे हैं, ये तो पेड़ जो है पलंग के, ये तो सागवान के हैं, इसको बड़ी अच्छी तरीके से आपको ऐसा मार लेना है। और गाइस इसको सूखने के लिए आपको थोड़ी देर छोड़ देना है, जब तक आप पलंग का दूसरा काम कर सकते हैं, जैसे पलंग में अस्तर लगाना हो तो आप अस्तर लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको बढ़िया पूरा अस्तर मार लेना है। MDF की बीड है, और ये कोर और भी में बढ़िया आपको पूरी जर गया है, इस टाइप का ऐसा अस्तर घुमा लेना है, देख सकते हैं। और गाइस चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से पेंट पॉलिश से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। ये देख सकते हैं गाइस इस बढ़िया तरीके से आपको ऐसा पूरा अस्तर मार लेना है। और ये मेरे पास ये है पलंग का भी, पैरदान के भी रखे हुए हैं, इसको भी बढ़िया आपको वैसे देख सकते हैं उन्हें इसमें बढ़िया एक हाथ लकड़ियों में सिलर मार दिया हूँ। ये पेड़ देख सकते हैं लकड़ियों के, सागवान के पेड़ लगे थे, इसमें बढ़िया एक एक हाथ सिलर मार दिया हूँ। गाइस ये हमारी पार्टी भी सूख के तैयार है, अब इसमें बढ़िया हम इसको पक्का करने के लिए एक हाथ इसमें पॉलिश घुमा लेते हैं, देख सकते हैं गाइस ये मेरे पास ये पॉलिश रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं इसमें ले लेता हूँ। और इसको पतला करने के लिए गाइस हमको थोड़ा सा थिनर डाल लेना है। तो ये देख सकते हैं गाइस ये पॉलिश रखा हुआ है, इसको बढ़िया आपको एक हाथ बढ़िया ऐसे मार लेना है, ताकि इसका थोड़ा सा कलर पक्का हो जाए।
और पक्के होने के बाद गाइज हम इसमें सिलर के कोट अप्लाई कर लेंगे, देख सकते हैं। और थोड़ा हल्के हाथ से मारना गाइस, नहीं तो आपका जो अस्तर लगा हुआ है ये निकल जाएगा। अब देख रहे हैं ये MDF में जो मैंने अस्तर लगाया था इसमें भी बढ़िया आपको एक हाथ पूरा ऐसे मार लेना है ताकि थोड़ा सा पक्का हो जाए बढ़िया। जहाँ जहाँ आपने अस्तर मारे हो पूरा स्तर आपको घुमा लेना है लोकल पॉलिश से। तो गाइज इसमें फटाफट में एक एक हाथ पूरे में लोकल पॉलिश मार लेता हूँ, देख सकते हैं गाइज। ये मेरे पास सिलर रखा हुआ है जो कि मैंने बना लिया था और इस पर मैंने बढ़िया पॉलिश अप्लाई कर दिया हूँ। और अप्लाई करने के बाद गाइज इसमें मैं बढ़िया सिलर मार दूँगा ताकि थोड़ी सा एक दो इसमें लेयर बन जाए और थोड़ी इसमें रेसे बनाने में दिक्कत ना हो, देख सकते हैं। इस तरह से गाइज आपको बढ़िया सिलर घुमा लेना है, सिलर के दो दो हाथ आपको पार्टी में अप्लाई कर लेना है। और गाइज बहुत आसान तरीका है पार्टी वाले पलंग पॉलिश करने का, ये आप अपने घर पे भी कर सकते हो। तो गाइज वीडियो में बने रहिए। गाइज हम फटाफट इसमें सिलर मार लेते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं फाइनली मेरी इसकी बढ़िया पूरी मैंने घिसाई कर लिया हूँ। और घिसाई करने के बाद गाइज मैं इसमें डायरेक्ट सीलर मार दूंगा, सीलर के दो हाथ हमको पूरे इसमें घुमा लेना है, देख सकते हैं। बहुत बढ़िया नेचुरल कलर इसका आ चुका है। तो हम गाइज इसी तरह से दो दो हाथ पूरे पलंग में घुमा लेंगे। और पार्टी जो रखी है हमारे पास पार्टी में भी हम दो दो हाथ पूरे सिलर के घुमा लेंगे। गाइस देख सकते हैं फाइनली मैंने इसमें पुट्टी कर दी है, जहाँ जहाँ पे थोड़े से कीलो वीलो के निशान थे थोड़े कीले गला के मैंने बढ़िया जहाँ जहाँ पे पुट्टिंग लग रही थी पलंग में वहाँ वहाँ पे मैंने पुट्टिंग कर दी हूँ, देख सकते हैं। और ये जो पार्टी रखी हुई है पार्टी की भी मैंने पुट्टिंग कर दी हूँ, जहाँ जहाँ पे थोड़े से गड्ढे वड्ढे थे पार्टियों में, देख सकते हैं इस टाइप से मैंने इसमें पुट्टी कर दी हूँ। तो गाइज ये पुट्टी थोड़ी सूख जाएगी, सूखने के बाद गाइज हमको ये 220 नंबर का मेरे पास ये एप्पल का पेपर रखा हुआ है, इससे हमको बढ़िया इसकी घिसाई कर लेना है। तो गाइज ये देख सकते हैं फाइनली मैंने इसमें सिलर अप्लाई कर दिया हूँ। और ये देख सकते हैं इसकी पार्टी रखी हुई है, पार्टी भी मैंने बढ़िया इसमें सिलर अप्लाई कर दिया हूँ। और ये पैदाना है इसमें मैंने बढ़िया सिलर अप्लाई कर दिया हूँ लकड़ियों में भी। तो गाइज ये जो देख रहे हैं आप ये MDF का जो लगा था इसमें बढ़िया मैं रेसे बना देता हूँ, और ये पार्टी में भी मैं बढ़िया रेसे बना के इसमें बस हम मेलामाइन की तैयारी करेंगे। तो गाइज ये देख सकते हैं फाइनली मैंने इसमें बढ़िया थोड़ी थोड़ी स्ट्रेट लाइन बना दिया हूँ। और ये देख सकते हैं आप ये वाला बेड सिराना है, इसमें भी थोड़े बहुत मैंने इसमें ग्रेन अप्लाई कर दिया हूँ थोड़े बहुत जहाँ जहाँ पे मेरे को लग रहे हैं वहाँ वहाँ पे मैंने इसमें बढ़िया। और ये देख सकते हैं इसकी पार्टी है, पार्टी में भी बढ़िया थोड़ी सा स्ट्रेट लाइन बना के इसमें मैंने थोड़े से रेसे बना दिए हूँ ताकि थोड़ा सा लकड़ी लुक में लगे। तो गाइस हम इसके बाद मेलामाइन बनाते हैं और इसमें मेलामाइन छोटी वाली गन से हम अप्लाई करेंगे क्योंकि ये माइका लगा हुआ है, ये माइका पूरा इसमें ख़राब हो जाएगा, तो हम छोटी वाली स्प्रे गन से इसमें बढ़िया अप्लाई करते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं मेरे पास ये मेलामाइन ग्लोसी है, इसको बढ़िया मेरे को जितना लगेगा आपको थोड़ा उतना ले लेना है, तो ये थोड़ा ही लगेगा मेरे को, ये मैं 300 ml तकरीबन इसमें ले लिया हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं गाइस ये हार्डनर है,